नमस्कार। यहाँ पर स्वामी जी के 37वें निर्वाण दिवस पर सभी अतिथिगण दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं स्वामी जी के समाधि स्थल पर। वहाँ सर सबका जो है ना लीजिएगा। स्वामी जी के 37वें निर्वाण दिवस पर सभी जो अतिथि हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं स्वामी जी के दर्शन करने, समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित करने। आज स्वामी जी के 37वें निर्वाण दिवस पर यहाँ दूर दूर से अतिथि आए हुए हैं और यहाँ पर ब्रह्मानंद पुरस्कार समिति के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे डॉक्टर अरुण कुमार पांडे जी हों उनको यहाँ पुरस्कार दिया जाना है। साथ में हमारे जो मुख्य अतिथि श्री सुभाष चंद्र सिंह जी हैं जो राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ पर जो ब्रह्मानंद पुरस्कार समिति है उन्होंने बाकायदा कोरोना की गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए यहाँ पर सर यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना की गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं हैं। प्रॉपर सैनिटाइजेशन से लेके टेम्परेचर जो थर्मल स्क्रीनिंग होती है टेम्परेचर बॉडी का होता है उससे लेके और साथ ही साथ जो पल्स होते हैं चेक करते हैं उस मतलब कोरोना की सभी गाइडलाइंस का यहाँ पर जो है यूज़ हो रहा है। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो भी मेंटेन हो रही है, तो जो भी व्यवस्थाएँ हैं वो भी बहुत बेहतर है। और दूर दूर से जो अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं और जो अरुण कुमार पांडे जी हैं उन्हें पुरस्कार दिया जाना है शिक्षा के क्षेत्र में। तो चलिए मैं और भी यहाँ की व्यवस्थाएँ दिखाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। मैं भी इस चीज़ का यूज़ करता हूँ और आपसे भी कहूँगा, मैं कहीं भी अगर भले ही अनलॉक हो रहा है जो हमारा देश है, लेकिन आप सब भी प्रॉपर हैंड सैनिटाइज करें, मास्क का यूज़ करें। अगर जहाँ भी ऐसे फंक्शंस में जाते हैं तो प्रॉपर कोरोना गाइडलाइंस का जो है आप लोग यूज़ करिएगा। यहाँ पर भी दिखाइएगा, यहाँ पर जो वायरस सूट है वो भी सर लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं सर, ताकि कोरोना से बचाव हो सके। आगे आइएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो सैनिटाइजर है वो भी सबको दिए जा रहे हैं कि ताकि वो प्रॉपर एक टाइम के अंतराल में अपने हाथों को सैनिटाइज करें। तो मैं कहूँगा और जहाँ भी अगर ऐसे प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वो भी प्रॉपर कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कोई भी प्रोग्राम करवाए। चलिए आइएगा अंदर। यहाँ पर ये हॉल है जहाँ पर जो वीआईपी गेस्ट हैं वो बैठने वाले हैं, वहाँ पर जो पत्रकार हैं जर्नलिस्ट हैं उनके लिए वहाँ स्पेस दिया गया है। मैं आप सबको दिखाता हूँ, प्रोग्राम बस शुरू ही होने वाला है। यहाँ जो सभी ऑर्गेनाइज़र हैं, सभी ब्रह्मानंद पुरस्कार समिति के जो सभी लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी लोग हैं टीम है वो प्रॉपर यहाँ वर्क कर रही है। ये स्टेज है जहाँ पर ये पुरस्कार जो है वो दिए जाने वाले हैं। जो एंकर हैं वो एंकरिंग कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर व्यवस्थाएं देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये प्रॉपर जो गेस्ट हैं उनके लिए जगह प्रोवाइड किया गया, ख़ासतौर पर जर्नलिस्ट हैं उनका भी ख्याल रखते हुए उनके लिए प्रॉपर प्लेस जो है प्रोवाइड की गई है। लेकिन ये ऐसा मतलब है कि जिन लोग अगर आप खड़ा करने का प्रतिबद्धता दिखाते हैं तो कोई भी इसको आराम समझ सकता है, क्योंकि अमेरिका की जो शिखरतम प्राप्ति है वो दिगंबर तक हो जाते हैं। अमेरिका हमारे जैसा कि हम सब लोग स्वामी जी के निर्वाण दिवस पर यहाँ इकट्ठे हुए थे और सर जो सूचना आयुक्त है उत्तर प्रदेश के, तो सर से मैं पहले जानना चाहूँगा कि सर स्वामी जी के ऊपर कुछ शब्द गए, फिर मीडिया बंधु जो हैं उनके लिए कुछ संदेश हो या छात्रों के लिए कुछ संदेश हो सकता। देखिए, देश की जो संत परम्परा है बड़ी समृद्ध है और ये मानता हूँ कि सांस्कृतिक रूप से समाज को मजबूत करने के लिए संतों की एक बड़ी श्रृंखला काम कर रही है। और अगर इस देश की संस्कृति मजबूत हो, लोगों में संस्कार आए,
तो ये देश के लिए सबसे बड़ा जो है लाभकारी कदम होगा। और स्वामी जी का इस दृष्टि से जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। और मैं तो ये कहता हूँ कि स्वामी जी के जो भी समर्थक हैं या जो समिति है, पुरस्कार समिति जो है, उसको इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये जो भव्य परिसर है, बहुत सारी जमीन है और जमीन मूल समस्या होती है शिक्षा क्षेत्र में, इसका इस्तेमाल करते हुए एक भव्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए, भले ही वो कृषि विश्वविद्यालय के रूप में हो। बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में अगर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित होता तो निश्चित तौर पर जो है इस पूरे इलाके का जो है भला होगा। मीडिया बंधुओं के बारे में इतना हमको कहना, चाहे नए हों, चाहे पुराने हों, चाहे नवोदित हों या अभी ट्रेनिंग ले रहे हों, समाज के भीतर जो कुछ भी घटित हो रहा है वो तो दिखाएं ही, लिखें भी, लेकिन उसमें अच्छा क्या है अगर ये तलाशें तो मुझे लगता है कि ये समाज की बड़ी सेवा हो। क्योंकि सब कुछ बुरा हो रहा है समाज में ऐसा नहीं है, बहुत सारा अच्छा भी हो रहा है। अच्छे की तरफ हमारी दृष्टि जाए तो और वो समाज के सामने आए तो मुझे लगता है देश का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा, हम सबका भला। बहुत बहुत धन्यवाद सर।